हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन पराठा रोल। बहुत इजी सी रेसिपी है, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, वो मैंने लिया तकरीबन 1 कप, यानी कि आधा किलो मैंने लिया था बोनलेस चिकन। इसमें मैं चिली पेस्ट डालूंगी, उसके साथ थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो है सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्चें और काली मिर्चें। उसके बाद 3 चीज़ों का जो पेस्ट होता है वो डाल लिया है, और नमक डाल लेंगे और साथ लेमन जूस डाल लेंगे। 3 चीज़ों के पेस्ट में क्या क्या है हमारे पास, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जो सारा मसाला है वो गोश्त के अंदर जाए। मीनवाइल हम लोग ऐसा करेंगे, 2 मैंने ले लिए टमाटर और मैंने ले लिए 1 सब्ज़ मिर्च, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। और दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में घी ले लिया था, ऑयल ले लें आप या बटर ले लें, उसमें वो चिकन की सारी लेयर्स लगा दूंगी और चिकन को उस तरह पकाएंगे हम लोग, ताकि चिकन के जो है ना अच्छे से अंदर तक गल जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने उसको हल्की आंच पर पकने देना है, जब तक कि कुछ वो यूं इस तरह का हो जाए कि अंदर से सारा का सारा शोरबा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए। जब भी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, तो हम लोग चिकन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे इसके बाद, ठीक है। और फिर जब हम लोग चिकन को निकाल लेंगे, उसके अंदर हम लोग जो टमाटर और मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, थोड़ा सा मसाला और डालेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डालनी है नमक डालना है, हल्दी डालनी है, सुरख मिर्ची डालनी है और काली मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेना है। ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स का मैं आपको नहीं बता रही, इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना क्या लेना है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक के मसाले की अच्छी अच्छी खुशबू आने लग पड़े, और फिर हम लोग इसके अंदर अपना गोश्त डाल लेंगे, ठीक है। जब गोश्त डल जाएगा तो इसको अच्छे से हम लोग कोट कर लेंगे इसके अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा 1 लेमन का जूस डाल लेंगे। लेमन मेरे पास पड़े हैं तो 1 लेमन में 2 टेबल स्पून जो है आराम से जूस निकल आता है। और उसके साथ फिर जब थोड़ा सा वो पक जाएगा तो उसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 कप क्रीम, और फिर उसके बाद ये हमारा तैयार हो गया। उसको मिक्स करने के बाद हम लोग पराठा ले लेंगे। पराठा आप जिस तरह मर्ज़ी बनाएं, आप लोगों की मर्ज़ी है। और उसमें मैं इस तरह करके गोश्त के जो क्यूब्स थे उन्हें कट कर ली थी, ठीक है, और वो मैं लेयर लगाऊंगी एक। उसके बाद उसके ऊपर मैं कैबेज, यानी कि बंद गोभी की लेयर लगाऊंगी, बंद गोभी डालूंगी। आपने जितना मर्ज़ी डालना है आप सलाद डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं प्याज जो है, प्याज सिर्फ जिस तरह अम्मियाँ काटती नहीं है प्याज, बारीक बारीक काट के उसको नमक लगा के रख देती हैं तो अंदर से प्याज से पानी निकल जाता है, तो वो वाला प्याज मैं डाल रही हूँ उसमें, ठीक है। और साथ थोड़ा सा मैं डालूंगी क्यूकम्बर भी, यानी कि खीरा जो होता है वो भी डालूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर लेटिस डालें, आप चाहें तो इसके अंदर बीटरूट डालें, आप चाहें तो इसके अंदर कैरेट डालें, ये सब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें क्या क्या डालना है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग मायोनीज़ भी डाल सकते हैं और केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि केचप इसके साथ वैसे जब बन जाएगी तो उसके अंदर डिप करके खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और ये हमारा रोल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बहनों के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।